ठीक है, तो सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो अब हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी सेल अगर लिविंग है तो उसमें क्या क्या चीज हमें देखने को मिलेगी बताओ, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का ही वो तरीका है जिससे सेल की संख्या बढ़ती है, तो रिप्रोडक्शन के द्वारा जो नई सेल की पॉपुलेशन बढ़ती है। चलो अब बात आती है कि क्या होता है सेल डिवीजन। तो कह रहे हैं जो पेरेंट सेल है, कौन सी सेल, पेरेंट सेल, वो क्या होती है, एक सेल है। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये एक सेल से दो सेल बने या फिर ये एक सेल से चार सेल बने। इस वाली प्रक्रिया को कहते हैं माइटोसिस। क्या कहते हैं, माइटोसिस। और इसको क्या कहते हैं, मियोसिस। मियोसिस कितने भाग में, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। यहां तक बात समझ में आ गई, चलो नोट कर लो। यहां पर अगर डीएनए क्रोमोसोम की संख्या मान लो 2n है, तो यहां भी 2n होगी और यहां भी 2n होगी, लेकिन यहां क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, आधी। क्या हो जाएगी, आधी। और यहां क्रोमोसोम की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता। चल गुड, यहां दो है ना, देखो यहां भी दो आ गया और यहां भी दो आ गया, जबकि यहां पर एक एक क्रोमोसोम आ गया। क्रोमोसोम की संख्या एक रही कि आधी हो गई, समझ में आई बात, नोट कर लिया। अब कह रहे हैं सेल डिवीजन के दौरान, तो किसके दौरान, सेल डिवीजन के दौरान कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो कहेंगे सर बेटा एक बार बताओ, जैसे 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 अभी अभी मेरे घर में कितनी वॉशिंग मशीन होगी, एक, अरे यार एक ही होगी भाई, ना हम शादीशुदा ना हा? भाई हमारे घर में भाई मम्मी पापा के टाइम से जो वॉशिंग मशीन है वही रहेगी, हमारी बहन की भी शादी नहीं हुई है अभी तो। हाँ हमारे घर में फ्रिज कितनी होगी, एक, टीवी कितनी होगी, एक। अब मेरी बात को समझिएगा, बड़ी बात करेंगे, छोटी मोटी बात नहीं, लोटा पंखा गिलास नहीं, हाँ ठीक। लेकिन कल को मेरी बहन की शादी तय हो जाए, इसकी शादी तय हो जाए, तो मेरे घर में कुछ दिनों के लिए कितनी फ्रिज दिखेगी, दो। कितनी वॉशिंग मशीन दिखेगी, दो। कितनी टीवी दिखेगी, दो। और कब तक दिखेगी, जब तक वो चली ना जाए। तो कहने का मतलब शादी तय होने के तुरंत बाद शादी हो जाती है क्या, दो तीन महीना गैप होता है, ये दो तीन महीने शादी के, शादी होती कितने दिन की, एक दिन की, और तीन महीना तैयारी चलती है, क्या चलती है, तैयारी। ये जो तैयारी है इसमें क्या करते हैं, टीवी डबल करते हैं, पंखा डबल करते हैं, फ्रिज डबल करते हैं। कहने का क्या मतलब है कि वो घर गृहस्थी की चीजों की संख्या डबल कर रहे हैं, या फिर अब समझो, अब दूसरी बात समझो, जैसे मैं और प्रशांत सर हैं, ठीक है, अभी हमारे घर में, अभी हमारे घर में एक घर है, ठीक है, मेरी बात को समझो, ऐसा होगा नहीं लेकिन एक बात समझो, ठीक है, मान लो हमारे दादा की एक फोटो है, हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है, एक फ्रिज है, तो क्या होगा, बंटवारे टाइम पे आधा करेंगे, क्या करेंगे, आधा आधा फोटो हमारे यहाँ, आधा फोटो, तो अब वॉशिंग मशीन आधी इनके यहाँ, आधी उनके यहाँ। कहने का मतलब है कि चीजें दो तरीके से बढ़ रही हैं, एक बार या तो डबल करके बराबर बांट दी जाए, या तो उस जो है उसको आधा आधा, कहेंगे कि फ्रिज तुम लोगे तो पंखा हम लेंगे, वॉशिंग मशीन हम लेंगे, ये भी हो सकता है। तो कहने का क्या मतलब है, बंटवारा दो तरीके से हो रहा है, एक तो तरीका ये है कि जो सामान है उसको आधा आधा बांट लीजिए, और दूसरा क्या है, जो सामान है उसको दुगना करिए और फिर बांटिए, ठीक है। तो जो दो जो सामान है उसका डबल किया और उसके बाद बांटा, उसको क्या कहेंगे, माइटोसिस, और जितना सामान था उसको आधा करके बांट लिया तो मियोसिस। समझ में आ गई बात। अब
जनरली बात करते हैं सेल डिवीजन में माइटोसिस की, किसी करते हैं। अब माइटोसिस का मतलब क्या है कि डीएनए को डबल करिए पहले, क्या करिए, क्योंकि माइटोसिस में क्रोम डीएनए भी तो बराबर जा रहा है। देखो यहाँ दो डीएनए था, यहाँ भी तो दो ही आया, दो क्रोमोसोम थे तो यहाँ दो क्रोमेटिड आया, तो कहने मतलब क्रोमोसोम की संख्या बराबर नहीं बटी। तो पहले क्या हुआ होगा, हुआ क्या होगा, पहले ऐसे रहा होगा, क्या रहा होगा ऐसे, उसके बाद कहा होगा क्रोमेटिड को क्रोमोजोम में बदलो, किसमें बदलो, क्रोमेटिड और क्रोमोजोम सुना है कि नहीं, सब सुना है, ये होता है क्रोमेटिड और ये क्या होता है क्रोमोजोम, इसको आधा बांट दोगे तो क्या बन जाएगा क्रोमेटिड, क्या बन जाएगा, सुना है कि नहीं, तुम लोग ने सुना है, गुड। तो क्रोमेटिड, क्रोमेटिड सुने, सुना है ना, और क्या है क्रोमोजोम। अच्छा क्रोमेटिड पे अगर यहाँ पर ए लिखा है तो यहाँ भी ए ही लिखा होगा, अगर यहाँ सी लिखा है तो ये, इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर तुमको आधी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो तुम उसको डबल कर लोगे। इसी तरीके से अगर मान लो कोई, ये मान लो कोई फोटो थी और क्या हुआ बट गई, बट गई, तो अगर तुमको आधी फोटो मिल जाए तो क्या तुम इसे फोटो कॉपी करा के दोबारा पूरी नहीं बना सकते, बना सकते हो ना, क्योंकि किसी का भी फेस सिमेट्रिकल होता है। मेरी आधी फोटो मिल जाए पलट के इधर लगा दो, एक हो जाएगी कि नहीं, तो ये हो गया बन गई, ठीक है, इसी कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन में पहले क्या होता है कि क्रोमेटिड को किसमें बदलते हैं, क्रोमोसोम, मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो तो उतनी ही है लेकिन वजन बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा वजन, तो कहने का क्या मतलब है क्वांटिटी बढ़ गई, क्या बढ़ गई क्वांटिटी, तो इस क्वांटिटी की बढ़ाने की प्रक्रिया कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए को डबल कर लिया, क्या कर लिया डबल कर लिया। और दूसरा होता है सेल का साइज, कह रहे थे ना वो सिस्टर की शादी करनी थी जो सब सामान दो दो खरीदा, क्या किया सेल की ग्रोथ, तो सेल डिवीजन के दौरान की प्रिपरेशन, प्रिपरेशन क्या ये होता है, ये इस फेज को कहते हैं इंटरफेज, कौन सी फेज, शादी कितने दिन की, एक या दो दिन की, लेकिन तैयारी महीनों की, इसका मतलब किसी भी शादी में सबसे ज्यादा समय किसमें लगता है, तैयारी में, ज्यादा समय किसमें लगता है तैयारी में, इसका मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है वो कौन सा होता है इंटरफेज, बात समझ में आ गई। और इसके बाद क्या होता है कहेंगे सर, इसके बाद होता है एम फेज, क्या होता है एम फेज, बात समझ में आ गई, आया ना। अब ये यहां पर एक बात लिखी हुई है, ये देखिए रेप्लिकेशन का क्या मतलब है, डीएनए को रीड करते हैं और एक डीएनए से कितना डीएनए बनाते हैं दो, समझ में आ गई बात, एक देखो डीएनए को खोल रहे हैं, देखो खोलने के बाद क्या हुआ दूसरा स्ट्रैंड लगा दिया, क्या बन गया रेप्लिकेशन, समझ में आया। इस मेथड को क्या कहते थे सेमी कंजर्वेटिव, क्या कहते थे, मतलब एक तो ओरिजिनल है, इसमें से एक हिस्सा ओरिजिनल है, देखो एक नीले कलर का एक लाल कलर का है, और शुरू में कितना था दोनों नीले कलर के थे। डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है, कौन कौन सा, टेम्पलेट और कोडिंग, सुना है कि नहीं, आया ना, याद नहीं है ना, लेकिन सुना है कि नहीं, कोई बात नहीं, ये पूरा समझ में आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि सेल साइकिल में क्या होता है, हेडिंग डालो सेल साइकिल, सेल साइकिल में सबसे पहले होता है डीएनए डबल होता है, तो कहेंगे सेल साइकिल में क्या होता है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है सुनील, डबल होना, किसका जीनोम, मतलब डीएनए, किसका जीनोम का, जीनोम क्या हो सकता है या तो डीएनए या तो आरएनए, गुड। दूसरा नई नई चीजें बनती हैं, सिंथेसिस,
सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनना। किसका? बताएंगे सर, सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सेल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हो सकते हैं? तो कहेंगे जैसे कि सेल ऑर्गेनील। सेल ऑर्गेनील कौन क्या 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 होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, ठीक है। और क्या हो सकता है? कहेंगे सेंट्रियोल। क्या सुना है कि नहीं? ये सब सुना है ना? गुड, नोट करो। And they divide into two daughter cell. Cell cycle के दौरान यही तीन phase होता है, DNA, RNA सब का replication होता है। हो गया? आया ना? अच्छा, अगर मैं आपको सेल साइकिल में एक शब्द बोलूं, सेल साइकिल में सिर्फ तीन चीज होती है, सेल का साइज बढ़ना, डीएनए का डबल होना और सेल का डिवाइड होना। क्या सही बात नहीं है? क्या देखो, लिखा भी नहीं है क्या? सेल साइकिल में सेल डिवीजन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेल का ग्रोथ होता है। नोट कर लो। बात समझ में आ गई? चलिए, लिखा है। और हर चीज कैसे होती है? कभी भी हो जाती है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो लिखो, इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब बात आती है कि सीक्वेंस क्या होगा। तो कह रहे हैं सबसे पहले लिखो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे पहले क्या बनता है? प्रोटीन। उसके बाद होता है रेप्लिकेशन और उसके बाद होता है सेंट्रियोल फॉर्मेशन और उसके बाद होता है चौथा स्टेप होता है दैट इज एम फेज। अब इसी एम फेज के पांचवा फेज, इसी एम फेज का फेज होता है सेल डिवीजन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस या आप इसको लिख सकते हैं सेल ग्रोथ या आप लिख सकते हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। किसका बढ़ना? साइटोप्लाज्म का बढ़ना। हो गया? चलो, एक बात लिखी है कि एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल 24 घंटे में डिवाइड होती है। कितने डिवाइड? कितने में? 24 घंटे में। जैसे एक सेल है, एक आदमी है, उसकी शादी होनी 24 घंटे में।
तो शादी की, तो शादी ही कितनी देर की होगी? क्या 2400 घंटे शादी चल रही होगी, या शादी तो 1 ही घंटे में हो गई होगी, 23 घंटा तैयारी हो रही होती है। जैसे आज तुम्हारा बर्थडे है तो पूरे दिन तुम तैयारी करोगी, केक काटोगी 1 मिनट में, होता है ना। तो इसी तरह ये पूरा पॉइंट नोट करिए कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल, जिसमें सेल जो है वो हर 24 घंटे पर डिवाइड होती है। देखो, ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल डिवाइड्स वंस इन अप्रोक्स 20 एवरी 24 आवर। अब बात आती है, एक सेल है जिसका नाम है ईस्ट, एक क्या है ईस्ट क्या है? तो कहेंगे सर एक फंगस है। क्या है? फंगस, फंगी। ईस्ट एक फंगस है, और ईस्ट की एक सेल 2 सेल में टूट जाती है 90 मिनट में, हर 90 मिनट में। तभी तो तुमको, तुम आटा रखती हो और फिर खमीर निकल जाता है उसमें, देखा है कभी? तो इतनी जल्दी कैसे आता है? यही तो ईस्ट रहता है। इस ईस्ट का नाम क्या होता है? सैक्रोमाइसी सरीविसे, सुना है ना। यही शराब बनाने के लिए भी इसी ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, फर्मेंटेशन सब सुना होगा, है ना, खमीर बनता है। ठीक है, दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। ब्रेड बनाने की जो फैक्ट्री होती है उसमें इसी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बेकर्स ईस्ट कहते हैं, बेकरी में इस्तेमाल होता है, शराब की फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है, इसको ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं। शराब को क्या कहेंगे? शराब की फैक्ट्री क्या कहते हैं? ब्रूइंग इंडस्ट्री। क्या कहते हैं? ब्रूइंग इंडस्ट्री। ठीक है, और ताड़ी बनाने में, ताड़ी सुना है कि नहीं? ताड़ी तो ताड़ी बनाने में भी काम आता है। ताड़ी नहीं सुना? अरे ये कौन सा ताड़ का पेड़ देखा है? हाँ, ताड़ के पेड़ से जो फल निकलता है उस फल से क्या बनाते हैं? एक तरीके की जो है ब्रीवरेज, सफेद सफेद से होती है पानी, हाँ, नारियल पानी जैसी दिखती है। नहीं पिया कभी? एक बार हमने बासी पी ली थी। हाँ, जितनी पुरानी होगी उतनी फर्मेंट होगी, तो उसमें अल्कोहल का कंटेंट उतना ज्यादा होता है। ठीक है, तो हाँ, हमको एक बार जो है, और फ्रेश वाली सुना है, पेट वेट के लिए बड़ी अच्छी होती है, हेल्दी होती है, न्यूट्रिशियस होती है काफी। ठीक है, मंगा रही हो क्या? ठीक है, हाँ कल ताड़ी ले आना। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चों उस वाले में ज्वाइन करो, बायो वाले में। अच्छा, लेकिन एक्सेस तो सबको है ना, एक्सेस तो था ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलो यहां तक समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट भी लिख लिया, आया ना। देखो, ईस्ट सेल सिर्फ 90 मिनट में ही डबल हो जाती है, मतलब एक सेल से 2 सेल कितने मिनट में? 90 मिनट। एक सेल से 24 आवर। अब बात आती है, सेल साइकिल में 2 स्टेज होती है, एक होती है इंटरफेज और दूसरी होती है एम फेज। माफ करो, ठीक है,
सेल साइकिल डैश करके लिख दो, दो स्टेज इंटरफेज और डिवीजन फेज, या इसी को कहते हैं एम फेज। आ गया, लिख लिया, नोट करो। लिखना कम पढ़ रहा होगा अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो। चले चलो हेडिंग डालो इंटरफेस। अभी डायग्राम दिखाता हूं और ये डायग्राम से सीखो। अभी डायग्राम में देखो, अभी डायग्राम में देखो क्या हुआ, यहां से ले करके यहां तक, फिर से देखना, ये नहीं है, यहां से लेकर के यहां तक इस पूरे सेल में सेल डिवीजन इस जगह हो रहा है, देखो कितने कम समय में। और यहां पर क्या हो रहा है, एम फेज, और ये है जी नॉट फेज, जी वन फेज, एस फेज और जी टू फेज। तो जी वन, एस और जी टू फेज को कहते हैं इंटरफेज। क्या कहते हैं, तो किस कहां से, इंटर का मतलब बीच में। तो एक बात समझना, एम फेज हुआ होगा, फिर इंटर फेज आया होगा, फिर एम फेज आया होगा। इंटर का मतलब बीच में, दो यम फेज के बीच में इंटरफेज होता है। जैसे 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 समझो मेरी कहानी देखो, हाँ मेरी कहानी देखो। अब देखो मेरे माँ बाप ने, ठीक है, दो फ्रिज पंखा सब इंतजाम किया था कि हम क्या हो, हमारी शादी हो सके, समझ रहे हैं। अब हम अपनी पूरी जिंदगी में दो फ्रिज पंखा वॉशिंग मशीन का इंतजाम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे लड़के की शादी हो सके। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं, मुझे अगर तुम देखो तो मैं तैयारी कर रहा हूं, और किस लिए तैयारी करता हूं, हमारे लड़के कल को शादी करे। अब कहने का क्या मतलब है, इधर भी शादी उधर भी शादी, बीच का पेज क्या, इंटर पेज। इसका मतलब कि पहले सेल डिवाइड हुई होगी, फिर वो नई सेल बनी, अब वो ग्रो करेगी और फिर क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब पहले सेल डिवीजन की वजह से एक सेल बनी, और वो सेल अब फिर से डिवीजन के लिए तैयार हो रही है। तो कहने का क्या मतलब है कि इंटरफेज तैयारी का फेज दो सेल डिवीजन के बीच में आता है। तो सेल डिवीजन किस फेज में होता है, तो कहेंगे एम फेज में। हाँ, हमारे भी डिवीजन का फेज आ रहा, ठीक है। तो एम फेज को मैरिज मान लो, सेल डिवीजन को मान लो भैया बच्चे हैं, बच्चे के लिए हम तैयारी करेंगे पूरी जिंदगी, ठीक है। तो याद रखिए, हेडिंग डालिए इंटरफेज। इंटरफेज के कई नाम, पहला है इंटरफेज, दूसरा है रेस्टिंग फेज। क्या क्या नाम है, अच्छा एक बात देखो, एक और बात लिखा हुआ है जी नॉट फेज। देखो देखो मजा आ जाएगा, देखो मजा आ जाएगा। आज जिस जगह पे तुम हो उस जगह पे हम थे, उस समय हमको शादी, बच्चे और घर द्वार की जरूरत थी, नहीं। आपको अभी शादी वादी की जरूरत है, नहीं। आप किसी लड़के बच्चे के लिए सामान जुटाने की जरूरत है, करते हो, वो बात अलग है, समाज पहले, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, अभी आपको कोई एसेट जुटाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही सेल डिवाइड होती है तो वो सेल दोबारा डिवीजन के लिए तुरंत तैयार नहीं होती, यही नियम है कुदरत का। कुदरत का नियम बताएं, कोई लेडी प्रेग्नेंट थी, बच्चा हो गया, डिलीवरी हुई, बच्चा हो गया, तुरंत दूसरा बच्चा, दूसरे फिर प्रेगनेंसी हो जाती है क्या, नहीं, छह महीने नहीं होती, चाहे कुछ कर लो छह महीने प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसको क्या कहते हैं,
तो कहेंगे सर लैक्टेशनल एमिनोरिया कहते हैं, कि मतलब जिस समय वो इंटेंस लैक्टेशन कर रही होती है उस समय वहां पर क्या नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं शुरू होगी। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं शुरू होगी तो एक बनेगा क्या, एक नहीं बनेगा तो क्या जो है जायगोट बन सकता है, समझ आ गई बात। तो कहने का क्या मतलब है, भगवान ने एक फेज बनाया भी है 6 महीने तो कुछ नहीं, लेकिन 6 महीने के बाद रिस्क है ना, 6 महीने के बाद रिस्क है। और अब ये भी हो सकता है कि एक प्रेगनेंसी खत्म हुई और 2-3 साल तक प्रेगनेंसी ना आए, और ऐसा भी हो सकता है 6 महीने के अंदर फिर से आ जाए। ये जो जितने ड्यूरेशन तक कुछ नहीं हो रहा उतने ड्यूरेशन तक वो औरत घर में आराम करे काम करेगी। अच्छा, आराम बिटिया तब तक होता जब तक लड़का पेट में होता, उसके बाद क्या होता है काम। बुआ क्या कहेगी पता है लड़की की, लाइए भाभी हमको दे दीजिए हम संभाल ले आप जाओ खाना बनाओ, होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, यही हकीकत है। और याद रखना काम तो बाबू करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो नियम है। तो जिस समय सेल डिवाइड नहीं हो रही हो उस समय उसको कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, करना पड़ता है, ऐसी सेल को कहते हैं परमानेंट सेल। और परमानेंट कोई जिस जगह होगी उस जगह का फंक्शन परफॉर्म करेगी इसी तरीके से। और जब सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही होती है उस सेल को क्या कहते हैं, मेरिस्टमेटिक सेल। क्या कहते हैं, मेरिस्टमेटिक। मेरिस्टमेटिक का मतलब क्या है, डिवाइड होने के लिए तैयार। तो आपने सुना भी होगा दो तरीके की टिश्यू होती है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू होती है और परमानेंट, सुना है, नहीं सुना कोई बात नहीं, अगले सेशन में हिंदी में सब लिखा रहेगा उसमें ऑलरेडी वर्ड्स, ठीक है। तुम लोग ने सुना है सुनील, हाँ या ना। तो मेरिस्टमेटिक क्या होती है, जो डिसेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करती है, और परमानेंट क्या होती है, जो किसी सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करती। अब समझो कोई भी सेल थी वो सेल डिवीजन, जैसे देख सकूँ एक 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 बहू थी उसकी शादी हुई और उसके बच्चे हो गए तो अब उस बहू को काम करना पड़ेगा, चाहे खाना बनाएगी चाहे सफाई करेगी, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। हाँ, एक काम पकड़ लिया, मान लो सफाई काम पकड़ लिया, दीदी आज से हम बड़ा काम सफाई काम हम करेंगे, खाना आप बनाएंगे बर्तन साफ करेंगी, 4-5 तो बहुएं होती चारों पांचों काम बटा होता है। हाँ, सुबह खाना वो बना रही, शाम खाना वो बना रही है, वो बटा होता है बेटा। तो समझो अब क्या है, अब कोई एक बहू थी जो काम वाम कर रही थी, वो हो गई प्रेग्नेंट, अब बताओ काम करेगी नहीं करेगी, क्या करेगी नहीं करेगी, मम्मी जी चक्कर आ रहा बेटे जाओ तुम बिटिया आराम करो ये फलाने काम करेंगी। तो इसका मतलब जब कोई भी सेल वापस से क्या हो जाएगी, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करना शुरू करेगी, उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, 3 शब्द सुना होगा, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। एक बहू जी, नई नई बहू आई, ठीक है समझते जाइए, आप बहू ही प्रेग्नेंट हो सकती, लड़का तो होगा नहीं। तो सुनील है ना, तो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, बहू आई लेकिन अभी प्रेग्नेंट होने का इरादा नहीं, तो क्या करेगी काम, कोई ना कोई एक फिक्स काम, मतलब कोई काम करो जाके, तो मतलब डिफरेंशिएट कर दिया, कहा से फला काम तुम करोगी। अब बहू कही मम्मी जी हम पेट से है, तो क्या कहेंगे, डी डिफरेंशिएट, काम इसका सारा काम रोक दो, क्या करो इसका सारा काम रोक दो, मतलब जो काम करे थे वो काम से छुट्टी मिल गई, कहेंगे डी डिफरेंशिएशन, जो काम करे थे वो छोड़ दी, डी डिफरेंशिएशन। फिर लड़का हो गया फिर से काम करना शुरू करो, री डिफरेंशिएशन, समझ में आ गया। हाँ, मतलब मेरिस्टमेटिक टिश्यू परमानेंट हो जाए तो डिफरेंशिएशन, परमानेंट वापस से मेरिस्टमेटिक हो जाए तो डी डिफरेंशिएशन, फिर मेरिस्टमेटिक हुई वाली सेल वापस से काम डिफरेंशिएट हो जाए तो री डिफरेंशिएशन। इंटरफेज, अब इंटरफेज होता क्या है, तो लिखो फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, लगातार 2 एम फेज के बीच का जो फेज होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरफेज। अब यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर सेल डिवीज, देखो एक बात समझो अच्छा एक बात समझना, वो जो 6 महीना था,
चाह कर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी, उस 6 महीने में शरीर अपने आप को तैयार कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? तैयार। तो तैयार वाले समय में दिखता है क्या तैयारी? दुनिया को आपकी तैयारी नहीं दिखती, दुनिया को आपकी सफलता दिखती है ना। तो इंटरफेस क्या है? इट इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। दूसरा, ये नॉन अपीयरिंग तो और फेज ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन ऑफ सेल, फेज ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन ऑफ सेल। आया समझ में? फेज ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन ऑफ सेल, मतलब सेल डिवाइड होने के लिए तैयार हो रही है लेकिन अब वो हमको दिखेगी। एक बात और लिखी है, इंटरफेज के दौरान सेल ग्रो करता है अपने साइज में और अगली डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, सेल ग्रो इन साइज एंड प्लस लिखा है मतलब एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन। दिक्कत लिखो, लिख ली, क्या बात है, लड़की बहुत समझदार है। अच्छा अच्छा अच्छा, दस लेगा, मजेदार बात है। जिस समय तैयारी हो रही होती है उस समय आदमी बहुत एक्टिव होता है कि नहीं होता? हाँ, एक्टिव होता है। तो लिखिए, इंटरफेज सबसे ज्यादा एक्टिव फेज होती है सेल साइकिल की। अरे अपने बर्थडे के दिन के पहले और बर्थडे के दिन, किस दिन तुम ज्यादा रिलैक्स फील करते हो? बर्थडे के दिन ऐसा नहीं लग रहा था काम नहीं करना है, नहीं मन कर रहा फोन उठाने का, नहीं उठा रहे हैं। बर्थडे के दिन थोड़ा सा स्पेशल फील होता है। लेकिन जैसे मेरा बर्थडे होता था तो मुझे बहुत शौक था अपने बर्थडे का और मैं बहुत शौक से बर्थडे मनाता था अपना। मतलब मैं फोन कर करके मामा को बताता था, मामा आज मेरा बर्थडे है, हमको विश करिए, मासी मेरा बर्थडे है, हमको विश करिए। और जैसे मेरा बर्थडे 5 को है तो मैं 3 तारीख से तैयारी करता था, 3 तारीख को जो है सजाने लगता था अपना रूम, ठीक है, और हाँ डेकोरेशन करने लगता था 3 तारीख से, ताकि 5 को जब लोग आए तो सुंदर लगे। हाँ, इतना पैसा नहीं था कि हर बार होटल पार्टी हो, हाँ तो घर ही बर्थडे होता था। और हम लोग के बर्थडे का टाइम पे बलून और रिबन इबन लगते थे, हैप्पी बर्थडे लिखा होता था। हाँ, मतलब आप लोगों से थोड़ा सा कम वाला बर्थडे हुआ करता था लेकिन खुशी थी। उस बर्थडे की प्रिपरेशन की अलग खुशी हुआ करती थी, खुद ही सजा रहे हैं, मम्मी कह रही 2 दिन बाद है, अरे कोई बात नहीं आज ही तैयारी, गुब्बारा बुलाए जा रहे हैं, सुबह गुब्बारा बुला रहे, शाम को बर्थडे है, ठीक है। तो ये होता है द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल। और इसके बाद और देखो ना, पूरे दिन तैयारी होती है जिस दिन बर्थडे होता है। अच्छा, हम लोगों के बर्थडे में घर में सेलिब्रेशन होता था, मतलब कि खाना भी घर में बनना है, वो दिन स्पेशल पूड़ी बन रही है, छोला बन रहा है, मासी लोग आ रही है, काफी लोगों का नहीं घर परिवार में इन्विटेशन होता है, फ्रेंड वगैरह पापा के आ रहे हैं तो उसमें भैया छोला और वैरायटी बन रही है, लेकिन सब बनता घर में था। ये नहीं था कि होटल से मंगा लो, यहाँ से मंगा लो, अब तो सब सारी पार्टी होटल की हो गई। हाँ, अब पार्टी में वो बात नहीं है, पार्टी मन कर रहा जाओ होटल खा पी के चले आओ, तो वो घर की पार्टी को अब तरस गए। अब तो मतलब कई साल हो गए घर में बर्थडे मनाए, 90% टाइम बर्थडे में हम यहाँ मम्मी पापा घर पे हैं, लाइव केक कट रहा है, कोई मजा नहीं उस केक का, रात में काट रहे दिन में काट रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप वो जिंदगी जीने जा रहे हैं, आप जितनी शानदार जिंदगी थी घर वाली जो बोरिंग लगती थी वो खत्म। अब यहाँ जाओगे, यहाँ से पढ़ोगे, तैयारी करो, बनोगे डॉक्टर, वहां रहोगे 5 साल और हम घर आओगे कई कई महीनों में 1-2 बार 3 बार। तो जिस दिन आओगे उस दिन तुम्हारी मम्मी पूरे दिन खाना खिलाएंगी तुमको। और तुम्हारी मम्मी क्या चाहेंगी मैं तुमको बताता हूँ, अभी मैं अपने घर चला जाऊं तो मेरी मम्मी चाहिए क्या ना खिला दे इस लड़के को, पनीर खिला दे, हाँ जो मन है वो, मतलब VIP चीज। आप समझिए कि जब अभी घर जाना होता है तो मेरी मम्मी की ये कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा क्या ना खिला दे इनको। और विश्वास मानिए, सिर्फ इच्छा होती है दाल चावल खाने की घर का, मैं सच बता रहा हूँ।
बाहर इतना खा लिया इन चीजों को कि अब ये खाना घर में खिलाने का मन नहीं करता। आप घर पे तरसते हैं अपने मम्मी पापा के हाथ के, जैसे हम लोग जो खाना खाते थे, जैसे मेरे घर में हम लोग पापा की थाली में खाते थे, मतलब चीज जो टेस्ट पापा के थाली में हाथ, वो दाल चावल का जो टेक्सचर है, मतलब एक कंसिस्टेंसी होती है कि हर किसी का दाल चावल में दाल को डालने का एक तरीका होता है, कोई ज्यादा दाल डाल के खा रहा है, कोई कम डाल रहा है, कोई ड्राई खा रहा है। जो टेस्ट पापा के थाली में दाल चावल खाने का रहा, कभी नहीं मिला, जिंदगी गुजर गई कभी नहीं मिला। आज भी जाते हैं लेकिन खाना जो है पापा की थाली में खाना हमेशा खाते थे, पापा की ही थाली में खाना खाते हैं, एक ही थाली में मैं, दीदी, प्रशांत, पापा सब खा रहे, और मम्मी जो है गरम गरम रोटी, गरम गरम सब्जी, दौड़ दौड़ के एक रोटी आती है वो चार पांच लोगों में बढ़ जाती है, तुरंत रोटी की डिमांड। तो पहले तो हम लोग बुलाते मम्मी रोटी का, तब आप नहीं बोलते, अब कहते चलो वो भी आराम से बनाए, हम भी धीरे धीरे खा रहे। तो जो असली जिंदगी का जो असली खजाना है ना, वो आपके घर में। और अभी ये जो 5 साल अगर तुम मेहनत कर लोगे, ये 1-2 साल की तैयारी और 4-5 साल की अच्छी पढ़ाई, तो विश्वास मानिए आप अपने घर में अपनी जिंदगी बिता पाएंगे। जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो इतना सब कुछ बना रहे हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना करने के बाद भी जो है अपने माँ बाप के साथ नहीं रह पाते हैं, इसका एक ये एक कर्ज है भैया जिंदगी में। तुम लोग कभी पता नहीं है जिस चीज को जिंदगी सोचा था, अरे बड़े शहर में रहेंगे, बड़े शहर में नहीं रहेंगे, मम्मी पापा के साथ रहेंगे। और लाइफ को ऐसा बनाइए कि सही समय पे अपने माँ बाप के साथ रह सकें। तो इसीलिए कहते हैं कि सही समय पे सिलेक्शन और सही समय पे घर वापसी बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। तेजी से पढ़ाई करिए, मेडिसिन क्रैक करिए, मेडिसिन क्रैक करने के बाद MD MS जो करना है, एक PG करो चुपचाप, एक PG करिए 2-3 साल का, तो जल्दी जल्दी जो काम करना है आप तैयारी के साथ करना, ये खत्म करने के बाद दूसरा, ठीक है, तो तुरंत उसको क्रैक करके वो करने के बाद जब सारे पढ़ाई वढ़ाई का हो गया, अपना सेटअप डाल दिए, अपना हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिए, क्लिनिक ज्वाइन कर लिए, रहिए सब बना मजे से जिंदगी में राजा की तरह। तो वो राजा की तरह जीने के लिए आज आप खट रहे, सारा जो खेल है वो वही खेल है उस राजा की तरह जिंदगी जीने का। एक टाइम के बाद बहुत लग्जरी नहीं चाहिए जिंदगी में, लेकिन स्टेबिलिटी चाहिए। अभी आप घर जाएंगे तो स्टेबल नहीं हो पाएंगे कभी जिंदगी में, पूरी जिंदगी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अपने घर के आसपास 2-4 लोगों को देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, कोई आपके घर के आसपास ग्रेजुएशन किया होगा, BA BSc ये सब किया होगा, देखिएगा क्या कर रहे हैं। 4 साल वो मजे किए, 5वें साल से वो भी तैयारी कर रहे हैं, और आप आज तैयारी कर रहे हैं, विश्वास मानिए MBBS करने लेंगे या BDS कर लेंगे या BHMS BAMS BUMS वेटनरी कर लेंगे। अगर आप ईश्वर की ने चाहा कि आप डॉक्टर बन गए, तो उसी एक UG डिग्री पे आप उनसे ज्यादा कमाएंगे, देख लीजिएगा, और आपको जॉब की टेंशन नहीं होगी, जॉब रिस्क खत्म हो जाएगा आपका, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, तब आप अपने हिसाब से जिंदगी जी पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, तो कहेंगे सर सेल का साइज बढ़ता है, सेल अपने आप को अगली डिवीजन के लिए जो है प्रिपेयर करती है, और पूरी सेल साइकिल में सबसे ज्यादा एक्टिव फेज कौन होता है, इंटरफेज, ठीक है, और पूरी सेल साइकिल में इंटरफेज 95% टाइम लेता है, कितना परसेंट टाइम लेता है, तो लिखो टेक मोर देन 95% ऑफ टाइम ऑफ सेल साइकिल। और जाहिर सी बात है जब ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा भूख लगे, तो मेटाबोलिकली एक्टिव फेज होती है, ठीक है, मेटाबोलिक एक्टिव लिखो, मेटाबोलिक एक्टिव फेज, ठीक है। और इंटरफेज में क्या होता है, लिख लो केवल इतना, सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, और वाया तो कहेंगे ये एक सेल ग्रोथ और दूसरा DNA रेप्लिकेशन, है ना मजेदार बात। चलिए अब एक फेज होता है जी नॉट फेज, वैसे एक औरत थी और उसका एक बेबी हो गया, उसको क्या हो गया, एक बेबी हो गया, अब उसके पास वो जितने समय तक वो नहीं चाहेगी कि अब हमें दूसरा बेबी कंसीव करते हैं, क्या नहीं चाहेगी, जितने समय तक वो लेडी नहीं चाहेगी कि हमारा दूसरा बच्चा भी होना चाहिए, उस समय तक वो रेस्ट पे है।
और जिस दिन वो चाहेगी कि हमारा दूसरा बेबी होना चाहिए, उस समय से लेकर के 9 महीने की डिलीवरी के पहले तक का टाइम क्या होगा? तो प्रिपरेशन, बेबी ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, रिजल्ट डिलीवरी के टाइम। हाँ ठीक है, तो क्या हो गया? तो लिखिए, इट इज अ टाइम ड्यूरिंग विच डिलीवरी, तो इंटरफेस क्या होता है, सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिविजन। तो कैसे, सेल की साइज बढ़ती है और सेल में डीएनए का डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। चलिए अब बात आती है, एक साहब थे हॉवर्ड और एक साहब थे पेल्क, इन्होंने जो है इंटरफेज को 3 स्टेज में डिवाइड किया। कितने फेज में? इंटरफेज को कितने स्टेज में डिवाइड किया? 3 स्टेज में डिवाइड किया। सबसे पहला फेज उन्होंने बोला जीवन फेज, उसके बाद बोला एस फेज, और उसके बाद क्या बोला, G2 फेज। कौन कौन सा फेज? जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज। अगर कोई भी सेल सेल डिवीजन के लिए मतलब इंटरफेज में नहीं जा रही तो किस फेज में जाएगी? रेस्ट फेज में। और उस फेज का क्या नाम होता है? क्वोशेंट फेज। क्वोशेंट फेज का दूसरा नाम G0 फेज। कौन सा फेज? बात समझ में आ गई? तो देखिए, फेजेस ऑफ सेल साइकिल आज ही पढ़ा दे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे, और इसमें एनिमेशन भी डलवा दे, अभी तक जरूरत नहीं थी इसने नहीं डलवाया, आगे की इसमें रहेगा। हाँ, जब माइटोसिस पढ़ाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कैसे डिवाइड हो रहा है, कैसे अलाइन हो रहा है, मजा आएगी। मुझे लगा कि आज की क्लास काफी अच्छी रही है, कैसा रहा, समझ में आया नहीं आया? चलिए, थैंक यू।